रायगढ़ जिले की बरमकेला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महावीर कोडाकू नामक युवक के पास से 2 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के डिब्बे में महुआ शराब जब्त की है। इसके एक डिब्बे में 14 एवं एक में 13 लीटर कुल 27 लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत 5400 रुपए बताई गई है जब्त की गई है। रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर रायगढ़ जिला खाद्य विभाग द्वारा अवैध बेस ऑयल बायोडीजल कारोबार करने वाले कैलाश अग्रवाल खैरपुर यार्ड में 7500 लीटर बायोडीजल एवं एक मिनी ब्राउजर धर्मेंद्र सिदार मां वैष्णो देवी अर्थ मूवर्स गुड़ेली से 500 लीटर सिंगल क्रेशल गुंडेरी से 520 लीटर तथा एसएस मिनरल में 400 लीटर कुल 1520 लीटर बायोडीजल जब्त की गई है। दंतेवाड़ा के किरंदुल से विशाखापट्टनम रेल रूट पर बीती रात नक्सलियों ने मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी। ये घटना बचेली और भांसी स्टेशनों के बीच में हुई है। मालगाड़ी से लौह अयस्क विशाखापट्टनम भेजा जा रहा था। नक्सलियों ने बाकायदा ट्रेन रोककर लोको पायलट को नीचे उतारा और इसके बाद इंजन में आग लगा दी। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झंडा चौक पंडरी निवासी 2 भाइयों के बीच हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला ड्रग्स तस्कर सरगना तापस परिडा को भुवनेश्वर ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों गिरफ्तार हुए अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्कर शेख महबूब और रवि नारायण द्वीप से नाम सामने आने के बाद पुलिस की टीम ने भुवनेश्वर में दबिश देकर तस्कर गैंग सरगना तापस परिडा को गिरफ्तार किया। बिलासपुर के चकरभाटा पुलिस ने ऑटो चालक को 10 किलो गांजे की तस्करी करते पकड़ा है। दरअसल जब से ओडिशा बॉर्डर में पुलिस की नाकेबंदी तेज हुई है तब से तस्करों ने ट्रेन और बस को गांजा तस्करी का जरिया बना लिया है। अब तस्कर कम मात्रा में गांजा लाकर बेचने लगे हैं। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी फाइन इंडिया सेल्स लिमिटेड में कई लोगों से लाखों रुपए निवेश अधिक रकम लाभ देने का झांसा देकर निवेश कराने के बाद कंपनी की अपनी शाखाएं बंद कर फरार होने वाले आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नासिर ने अपने हिस्से के रुपए फिल्म बनाने में लगाए हैं। रायपुर की पुलिस ने गांजा एवं प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ 4 अंतरराज्यीय तस्कर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टिकरापारा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए कीमत का 18 किलोग्राम गांजा जब्त किया। वहीं नारकोटिक्स सेल साइबर सेल एवं थानागंज की संयुक्त टीम के सदस्यों ने गंजपारा थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को पकड़कर 20,000 रुपए कीमत की 1070 नग नाइट्रोसन 10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को जब्त किया है। खुर्सीपार पुलिस ने खुर्सीपार तिराहे पर राहुल गैरेज के सामने खड़ी ट्रक से रात के समय ऑटो पार्ट्स चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़कर चोरी किए गए माल सहित 2 लाख के मशरू का बरामद किया है। मामले का एक अन्य आरोपी फरार बताया गया है। इसकी तलाश की जा रही है। जशपुर जिले के जंगल में बकरी चराने के लिए गई 50 वर्षीय विधवा महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को थाना आस्था पुलिस ने चंद घंटे में सुलझाकर आरोपी सुरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है।
बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टुंडरी में एक अज्ञात ट्रेलर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी में सवार महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर जिला दंडाधिकारी बिलासपुर डॉक्टर सारांश मित्तर ने रितेश निखारे उर्फ मेडी निवासी जरहा भाटा थाना सिविल लाइन बिलासपुर को बिलासपुर राजस्व जिला एवं समस्त क्षेत्रों से लगे आसपास के राजस्व जिले जांजगीर चापा कोरबा मुंगेली गौरेला पेंद्रा मरवाही बलौदा बाजार तथा रायपुर सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक कोरे दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कर नावासा की वाहन फाइनेंस के मामले में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी श्रीमती अंकिता गुप्ता ने तत्कालीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एजी गनी खान वंदना ऑटो के संचालक विवेक अग्रवाल परिवहन विभाग के अधीक्षक ललित पांडे आरटीओ एजेंट वेंकटेश उर्फ चिन्ना सहित 7 लोगों के खिलाफ निवई पुलिस को आदेशित किया है। रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम झलमला चौक स्थित मोबाइल शॉप चलाने वाले नारायण मेहर की दुकान चोरी करने वाले 3 आरोपियों को जूट मिल चौकी पुलिस ने पकड़कर चोरी किया गया मोबाइल व पार्ट्स को बरामद कर लिया है। कवर्धा जिले की लोहरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेंगाखार तिराहा के पास मुख्य मार्ग पर चलित बैरिकेटिंग के माध्यम से संदिग्ध सफेद रंग की कार को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी पर कार के डिग्गी में छुपाकर रखे कुल 23,200 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है, गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन टाटा जेस्ट कार को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले की नारकोटिक्स सेल और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर तुमगांव रोड शारदा मंदिर के पास बाइक सवार 2 युवकों व कार सवार 1 युवक को पकड़कर आरोपियों के कब्जे से 575 नग प्रतिबंधित सिरप, लगभग 2000 नग नशीली टेबलेट को बरामद किया। बलरामपुर जिले के सनावल थाना अंतर्गत ग्राम पचावल निवासी राम कुमार एयरगन के छर्रे से घायल हो गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रायपुर रिफर कर दिया गया है। छर्रा कैसे लगा ये अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। विश्रामपुर में 4 दिन पूर्व SECL के कुंदा साइंडिंग स्थित सैंपल रूम का ताला तोड़कर 2.25 लाख रुपए लागत के उपकरणों की चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फरार अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पहले नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का वादा कर लड़की से शारीरिक संबंध बनाया, फिर बदनाम करने की धमकी देकर 1.5 साल तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संभाग स्तरीय उड़नदस्ता बिलासपुर एवं आबकारी टीम रायगढ़ की संयुक्त ने 8 लोगों से 250 लीटर महुआ शराब बरामद कर 2000 किलो महुआ और लाहन जब्त कर नष्ट किया है। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक AP त्रिपाठी द्वारा राज्य स्तरीय उड़नदस्ता एवं संभाग स्तरीय उड़नदस्ता की टीम को जिला रायगढ़ में कार्रवाई के लिए भेजा गया था।
रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतल मंदिर रोड में जिस साड़ी को पहनकर महिला विवाह के बंधन में बंधी थी उसे ही फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। महिला के पति की मौत 6 माह पहले हार्ट अटैक से हो गई थी, इसके बाद से वह हताश थी। कवर्धा जिले में बोडला तहसील क्षेत्र के ग्राम गंडई के बंजारी चौक के पास बिलासपुर रोड पर पांडा तराई से वापस अपने कुसुम घटा आ रहे एक युवक को मुर्गी से भरे पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई है। डायल 112 की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बालोद जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकास खंड डोंडी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत धोबनी का आश्रित ग्राम वन पंडेल तुमड़ी कसा के तालाब में जहरीला पानी पीने से 8 बकरियों की मौत हो गई है। बालोद जिले की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोरों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी गौरव साहू शंकर नगर सद्भावना चौक दुर्ग व 2 अपचारी बालक जिला दुर्ग शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 मोपेड, 1 बुलेट, 4 मोटरसाइकिल जब्त की है। बालोद जिले के ग्राम निपानी में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों के खाते में जमा लाखों रुपए निकाले जाने से हड़कंप मच गया है। बैंक के ही कर्मचारी ने यह हेराफेरी की है। जानकारी बैंक प्रबंधक को हुई तो इसकी शिकायत दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अधिकारी से की गई। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर माओवादियों ने एक बार फिर जमकर आतंक मचाया है। पुल निर्माण कार्य में लगी 7 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी बंधक बना लिया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद सभी छोड़ दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले की कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में रहने वाले निगरानी शुदा बदमाश कुखराज वर्मा के घर दबिश देकर करीब 23 लाख रुपए कीमत का 371 किलो गांजा, 27 तोला सोना कीमत 29 लाख रुपए और 12 लाख रुपए से ज्यादा के कैश जब्त कर मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बोरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धमधा में छिपा बैठा था। सूचना मिलते ही बोरी पुलिस ने चंद घंटे में ही घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। मुंगेरी जिले के विकास खंड पथरिया के ग्राम पंचायत कुकुस्ता के आश्रित ग्राम पडरिया झाप ग्रामीण राम सिंह मरावी की बेटी की शादी हो रही थी, जिसमें बिलासपुर जिले के चक्रभाटा से 50 बाराती आए हुए थे, जो शराब के नशे में डीजे बजाकर नाच रहे थे। उन्हें खाना खाने के लिए कहने पर झगड़ा करते हुए चाकू मारना शुरू कर दिया। चाकूबाजी में 7 ग्रामीण घायल हो गए हैं। नंदिनी पुलिस ने जुनवानी निवासी सैनिक लुकेश कुमार साहू की ग्राम आरस नारा स्थित जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचने वाले आरोपियों में से फरार चल रहे एक आरोपी अजय कुर्रे मरोदा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने सैनिक की जमीन को एक के बाद एक इकरार नामा कर 45 लाख रुपए में बेच दिया था। इस मामले में लगभग दर्जन भर आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं।